पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया, काश मैं उससे मिल पाती। क्या कह रही हो, जरा खुल के बताओ हुआ क्या है। सच में भाभी, मैंने इतना महान आदमी लाइफ में कभी नहीं देखा। किसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? डैड, आपको पता है कई दिनों से मैं अपनी स्टूडेंट के लिए ए नेगेटिव ब्लड ढूंढ रही थी। फिर पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया, उसने ब्लड डोनेट किया और फिर कुछ कहे बिना ही निकल गया। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। जब मैंने उसे थैंक्स कहा तो उसने एक रूखा सा ओके बोल दिया और फोन काट दिया। वाह, एक हाथ नेकी करे तो दूसरे हाथ को पता तक ना चले, शायद इसी सिद्धांत पर चल रहा होगा। वाकई बहुत अच्छा इंसान होगा वो। एक वो था जिससे कल मैं मिला, गिरे हुए इंसान की जीती जागती मिसाल। देखो उस गधे को याद भी किया और मेरे दिमाग में भूचाल सा आ गया। अरे मैं भी किसको लेके बैठी। बेटा इतने भले इंसान को फोन पर थैंक्स कहना उसको जलील करने जैसा होगा। मैं तो कहूंगा उसे फल मिठाई या फूल देकर बड़े अदब के साथ उसका शुक्रिया अदा करो, ठीक है? हाँ एक बात और, ऐसा कोई प्लान करो कि उस भले इंसान को इस भले इंसान से भी मिलवाया जाए। अच्छा ठीक है डैड, जल्दी मिल पाऊंगी। दैट्स लाइक माय डॉटर। चल चल निकल यहाँ से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ इंसानों के लिए नहीं आया हूँ, देवी के दर्शन करने आया हूँ, वो मुझे यहीं मिलेगी। ओह अब समझ में आया, तूने बॉस के वजह किसी और को ब्लड दे दिया। देखना तुझे वो कभी नहीं मिलेगी। अगर वो लड़की तेरी जिंदगी में आ गई तो अपनी जिंदगी की वाट लग जाएगी। हेलो हेलो सर, कल आपको फोन किया था ना, आपका आईडी कार्ड मेरे पास है। ये नर्स तो पीछे ही पड़ गई यार। नर्स नर्स, अच्छा बात कर, हॉस्पिटल में ही तो हूँ, आके दे दो ना। सर आज तो मैं वहाँ नहीं आई हूँ, रोड नंबर 20 पर एक कुचिपुड़ी डांस स्कूल है, यहाँ आकर ले लीजिए। हाँ वो मेरे रास्ते में पड़ता है, आ जाऊंगा। आप पक्का आएंगे ना? मैडम जी मैं आपकी काम वाली बाई थोड़ी हूँ, जो आया नहीं तो आपका घर का काम नहीं होगा। वहाँ पे आऊंगा तो तुम्हें फोन कर दूंगा, समझी? थैंक यू सो मच, मैं आपका वेट करूंगी। इसकी नियत मुझे ठीक नहीं लग रही। तू कुछ ज्यादा सोच रहा है, उससे आईडी ले ले और कहानी खत्म कर। चल यहाँ कहानी शुरू नहीं हुई, तू बोलता खत्म कर दे, 7-8 घंटे रुकते ना। हेलो, आ गया मैं, किधर हो तुम? सर अपने लेफ्ट में देखिए। क्यों लेफ्ट में? को अच्छा वो है क्या, मैं लेके आता हूँ। पार्ट टाइम में यहाँ पोछा मारती हो? मैडम डांस टीचर हैं, इन्हें प्रणाम करो। आपको मेरा आईडी कार्ड कहाँ मिला? कल आपने जिसे ब्लड डोनेट किया ना, वो मेरी स्टूडेंट है। आपके? तूने याददाश्त नहीं दी पर खून लेके बहुत कुछ दिया। आप ऊपर क्या देख रहे हैं? दुआ कर रहा हूँ उस मरीज के लिए कि जल्दी ठीक हो जाए। आप तो सच में कमाल के हैं। अगर आप कभी फ्री हो तो मेरे डैड से मिलेंगे? अरे डैडी क्या, मामा ताया चाचा सबसे मिलेंगे, अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब खून का रिश्ता बन गया है ना, तो सारे खून के रिश्तों से मिलेंगे। महान लोगों की बातें तो आम इंसान समझ ही नहीं पाएंगे। कौन महान है, किसको बोला? मैं? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना। एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ हर रोज आके आपको देख सकता हूँ। तभी तो डांस सीख पाऊंगा। देखूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? डांस? डांस देखना है? I'm sorry. वो यहाँ पर सिर्फ छोटे बच्चे ही अलाउड है, अगर आपके कोई छोटे भाई या बहन हो तो मैं उन्हें सिखा सकती हूँ। है ना, मेरा छोटा भाई है, उसको लेकर आता हूँ। छोटा भाई कहाँ से लाएगा, तेरे बाप ने दूसरी शादी की है? वो हॉस्टल से आ गया है, उसकी छुट्टियां हैं तो मैडम डांस सिखा देंगी, है ना? ओके हाँ हाँ मैं सिखा दूंगी। मुझे मैडम मत कहिए, कॉल मी नंदिनी। नंदिनी, प्यार से नंदू बुलाऊंगा। बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज जाओ। ओके बाय। लकी तेरा छोटा भाई, ये मेरे कहाँ से लाएगा? अबे चल। वैनिटी वैन, असिस्टेंट, मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर, इन सब का मिला के बस 10 लाख, ठीक है? इतना फैमूर भी नहीं लेता होगा, क्या बात कर रही है? और रहने के लिए 4 बेडरूम बंगलो और मर्सिडीज कार, और जहाँ लोकेशन होगा ना वहाँ मेरी पूरी फैमिली आएगी और उसका कन्वेंस अलग से लगेगा। आंटी इतने बजट में तो खुद का बच्चा कर लूँगा। खा
रखा कि मेरा मुन्ना मोटा हो गया है। डांस करेगा तो इसकी टांगे शेप में आ जाएंगी। पर देखिए आप इसको ना इजी डांस ही सिखाना। आपको इसके टांगों की साइज की शॉर्ट्स नहीं मिली क्या? वो क्या है ना, इसके और इसके पापा को ना शॉर्ट पैंट ही पसंद है। सुन क्या है ये, तुझे कास्टिंग डायरेक्टर किसने बना दिया बे? ऐसा बोल के तुमने कलाकार के अंदर सोया हुआ कलाकार जगा दिया। आप देखना क्या करता हूँ। नहीं नसीमा, ये देखने में मेरा नहीं तेरा भाई लगता है। क्या करे, ख्वाहिश होती है पिज्जा खाने की पर जेब में पैसे होते हैं वड़ा पाव के। प्रवीण इसके पैसे काट यार। सर पैसे काटोगे तो वड़ा पाव कैसे खाऊंगा मैं? नहीं 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 नहीं, पाव भी चलेगा। थाली में खाता उसमें छेद नहीं तो बॉस, वो तो अपना ही बंदा है। छोटा भाई मिल गया। ये सिग्नल सत्यम। सिग्नल सत्यम, ये कैसा नाम है? मेरी माँ ने मेरे को सिग्नल में पैदा किया ना, इसलिए सिग्नल सत्यम। क्यूट एंड फनी। ज़्यादा मत बोल। संजना एप्लीकेशन फॉर्म लाओ। ये रहा तुम्हारा एंट्री फॉर्म। इसको तो मैंने कहीं देखा है। पैसे दो, कहाँ भाग रहे हो? पैसे दो आंटी, पैसे दो। अरे वो आ गया, छुप जाओ। दीदी भैया। अबे फोकट में हमें क्यों अपना रिश्तेदार बना रहा है? पैसा दो। अरे होता है तो बार बक्स में कॉफी पिलाता, यहाँ धूप में नहीं बैठता। नहीं मेरे को चिल्ला, मेरे पास कोई चिल्ला नहीं, चल निकल। इस गरीब बिचारे को देने के लिए पैसा नहीं है तो इसे क्या खिलाओगे? सिंगदाना खिला के भी पेट भर दूंगा। अब तू हमें बोर मत कर, कबाब में हड्डी मत बन तू। हाँ याद आया, तू तो वो भिखारी है ना। अरे पहचान लिया इसने। दो दिन पहले मैंने इसे भीख मांगते हुए देखा था। इसका कोई भाई भाई नहीं है, ये बच्चा तो अनाथ है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अब तक नहीं समझी, ये तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। गांधीनगर में रहती हूँ ना। हाँ क्या रोमांटिक पोज है ना, तुझे पसंद आया क्या? तुम्हारा सर बहुत भारी है। बहुत टाइम से देखो, तेरे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देखा, ब्रेकअप हो गया क्या? ए रोक उसे, मेरा मतलब उठा इसे, उठा। अबे गेंडे उठ। हाँ ये एक भिखारी है, भीख मांग के खाता है, चोरी चकारी नहीं करता, ईमानदार भिखारी है। पर इसकी किस्मत भिखारियों के खानदान में पैदा हुआ, उन भिखारियों ने भी इसे भीख में किसी और को दे दिया। खाने को खाना नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, इसका खुदा था रखवाला, भीख मांग के इसने खुद को पाला। हाँ ये भिखारी है। भैया मेरे को इतनी बार भिखारियों भिखारियों किसी ने नहीं बोला। माफ कर दे, मैं माफी की भीख मांगता हूँ। हर गार्डन में हाथ फैला के भीख मांगता रहा, आज से तू आगे बढ़ने के लिए पैर फैलाएगा, इस गार्डन में नाचेगा तू। तुझे सड़क पे पड़ा देखकर सबने भीख तो दी पर किसी ने तुझे अपनाने की कोशिश नहीं की। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे भिखारियों को छुट्टे नहीं, रिश्ता दूंगा मैं रिश्ता। यदि तो एक्टिंग में ओवर एक्टिंग कर रहा है। इस पूरी दुनिया में तुम में मुझ में थोड़ी सी कमी तो होगी, पर हमें कमियों को नहीं गिनना है, हमें अपनी खूबियों को निखारना है। पहले खुद की कमी ठीक कर, बाद में दूसरों की। यस तू सही बोला, तू एक जरिया है, मैं तेरी मदद से दुनिया में अच्छाई बरकरार रखना चाहता हूँ। पर ये निर्दयी समाज अच्छाई ही नहीं चाहता, इतनी सी भी अच्छाई करो तो इससे बर्दाश्त नहीं होती है, सबको बस अपनी ही पड़ी है। दुनिया में कैसे लोग हैं, ये भिखारी पैदा हुआ इसमें इसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर मरते दम तक ये भिखारी रहा तो उसमें मेरी गलती होगी, सिर्फ मेरी मेरी गलती है। इसे मैं वो जिंदगी दूंगा जो किसी भिखारी ने नहीं जी। अगर किसी ने तेरे भीख मांगते हाथ को रोक के पैर थिरकाना नहीं सिखा। भाई जंगल में काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे मिलने शहर नहीं आ सकते हो। सोचा तो कई बार लेकिन क्या करूं, काम की वजह से वक्त ही नहीं मिल पाता। आखिरी बार हम 10 साल पहले मिले थे। हाँ अरे तुम्हारा बेटा कहाँ? नाम लेते ही हाजिर हो गया। हेलो अंकल। हेलो कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अच्छा चलें पापा। इतनी भी क्या जल्दी है, सालों बाद मिले, बैठो भाई कॉफी पी के जाओ। कुछ अर्जेंट काम है अंकल, बाद में कभी। चलो बाद में मिलते हैं। कॉफी आ ही गई है तो पी के ही जाता हूं। लो भाई कॉफी पियो। सुन तेरी बेटी पसंद आ गई इसे। तू इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है और मैं इसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, और सबकी रजामंदी हो तो हम अच्छे दोस्त से अच्छे समधी बन जाएंगे। जरा एक मिनट। ये सब क्या है डैड, एक बार मुझे देखा और कह दिया कि मैं उसे पसंद हूँ। इट्स सो एम्बैरेसिंग। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं और मैं एक पुलिस वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। सॉरी यार, बात यह है कि इसके लिए आज तक बहुत सारे रिश्ते आए लेकिन इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई,
पहली बार कोई पसंद बात ऐसी है कि मेरी बेटी को पुलिस वाले जरा कम पसंद आते हैं बेटा, प्लीज बुरा। ठीक है अंकल, कह दिया ना, चलिए पापा।